हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये ट्राई कलर पिन व्हील, जिसे कि मैं आपको एक एक स्टेप करके बनाना बताऊंगी और बहुत ही इजी वे में आप इसको बना पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लेंगे ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन शीट। साइज हमने लिया है 5x5 सेंटीमीटर का। सारी की सारी ये स्क्वायर शीट्स हैं, ऑल आर द स्क्वायर शीट्स। आप इस तरीके से इसे फोल्ड करिए ट्रायंगल में और हर शीट को आप ट्रायंगल वे में कट कर दीजिए इस तरीके से। सभी शीट्स को आपको ट्रायंगल वे में कट करना है इस तरीके से। सारी शीट्स आप कट कर लीजिए, ग्रीन भी, व्हाइट भी एंड ऑरेंज भी। सभी शीट को सबसे पहले हम कट कर लेते हैं सारी शीट्स। इस तरीके से सभी शीट्स कट करने के बाद अब हम इन्हें आपस में पेस्ट कर लेंगे। आप लगाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा फेविकॉल और पहले हम ऑरेंज के साथ यहाँ पर व्हाइट शीट पेस्ट करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे ग्रीन शीट। इस तरीके से आप ग्रीन शीट पेस्ट करिए। फिर अब हम दोबारा से यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे और अब हम पेस्ट करेंगे ऑरेंज शीट। इस तरीके से आप सारी शीट्स को पेस्ट कर लीजिए। इसको इस तरीके से पूरा जोड़ने के बाद बीच में एक ब्लू कलर का सर्कल लगा देंगे। अब उसके बाद ये सारे ट्रायंगल्स को इस तरीके से यहाँ पर फेविकॉल लगा के आप जो है सेंटर में पेस्ट करते जाइए। इस तरीके से फेविकॉल लगाते जाइए और आप इसको सेंटर में पेस्ट करते जाइए। सेंटर में पेस्ट करने के बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो हम ऊपर से एक ट्रायंगल और लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आप इसे पेस्ट करते जाइए। थोड़ा पकड़ के रखेंगे तो अच्छे से पेस्ट हो पाएगा, वरना ये निकल जाएगा। इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर दीजिए सब। इस तरीके से आपके ये सभी पेस्ट हो जाएंगे। जब ये सब पेस्ट हो जाए तब आप इसके ऊपर एक ब्लू कलर का सर्कल और लगा दीजिएगा। देखिए ये इस तरीके से पेस्ट हो गया है और मैंने इसके ऊपर एक ब्लू कलर का सर्कल भी लगा दिया है। अब हम पीछे इसके यहाँ लगा देंगे एक डंडी, जिसको भी हम फेविकॉल के साथ थोड़ा पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप इसके ऊपर एक पेपर की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये टिक जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी एक थोड़ा सा पेपर ले लीजिए और उसकी एक छोटी स्ट्रिप जो है इसके ऊपर इस तरीके से करके लगा दीजिए, जिससे कि ये टिक जाए। और आप आगे की तरफ से चाहें तो एक जो है आप अपना एक ऐसे करके पिन लगा दीजिए। और ये देखिए आपका जो है पिन व्हील बन के रेडी हो चुका है। अब इसको अंदर हमें इसे इंसर्ट करना है और ये आपका पिन व्हील बन के रेडी हो गया है। जब ये सूख जाएगा तब बहुत ही आराम से ये चल पाएगा। तो देखा आपने किस आसान तरीके से हमने ये पिन व्हील बना लिया। तो आप भी बनाइए ये पिन व्हील और ट्राई कलर पिन व्हील स्टेप बाय स्टेप मेथड से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।